इस वीडियो में दिखाने वालों में कि ऑर्गेनिक खेती करना कितना फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं ये सोयाबीन है और ये मेरे कमर तक आ रही है और मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी है। और इसकी जो फली देख रहे हैं ऊपर तक फलियाँ इसकी आ रही है। आप बता दो इसमें अपन ने एक भी प्रकार का कोई भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जीरो इन्वेस्टमेंट है सर। स्टार्टिंग में अपन ने इसमें डाला था देसी खाद, उसके बाद अपन ने ऊँटी लहसुन बोई थी, वो भी आपको दिखाई कैसे हुई थी। उसके बाद फिर अपन ने फिर सोयाबीन बोई थी, फिर अपन ने फिर प्याज बोए, वो भी दिखाया आपको कैसे हुए थे। फिर ये सोयाबीन है, ये अभी आप देख रहे हैं कैसी है। तो अपन ने 4 साल का ये रेशो निकाले, 3 साल का रेशो निकाले, तो देसी खाद वर्सेस केमिकल खाद का, तो देसी खाद प्लस में रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अपन को लगता है कि देसी खाद का वैल्यू ज़्यादा लगता है, लेकिन ऑल ओवर 3-4 साल का लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट ही नज़र आएगा और खेत भी सुरक्षित रहेगा और पैदावार भी अच्छी रहेगी। इसलिए निश्चिंत होकर ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।